नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोग को आज दिखाने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक ऐप को लॉन्च किया है डाक पे, जो आप फ्री में यूपीआई यूज कर सकते हैं बिना कोई चार्ज, कोई बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी चार्ज इसमें कटेगा नहीं। आप यूपीआई जो यूज करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना खुद का लॉन्च किया गया है। तो ऐप का नाम है डाक पे, देख सकते हैं, मैं प्ले स्टोर पर सर्च करके आपको दिखा दिए हैं। देखिए एप्लीकेशन का नाम है डाक पे यूपीआई बाय IPPB। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं इसको आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, यूपीआई जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, सारा चीज़ डिटेल में आपको बताते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप क्या वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं, वीडियो में क्या कमी है, सारा कुछ आप ही के कमेंट से हमको पता चलते हैं। तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सारा चीज़ आपको अलाउ कर देना है, देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन आ चुका है, तो सारा चीज़ हम अलाउ कर देते हैं। इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं आप, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंकिंग दिया हुआ है, इसमें शॉपिंग करने का दिया ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, स्कैन से भी आप पे कर सकते हैं, अलाउ कर देते हैं। चलिए आप जो भी आपका रजिस्टर है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वही सिम आप सेलेक्ट कीजिए, मेरा जियो का था तो सेलेक्ट कर लिए, इसको वेरीफाई होने देते हैं। देख सकते हैं इसमें प्रोफाइल के बता रहा है कि प्रोफाइल आपका सेट करना होगा, जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मेल, आपका मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का पासवर्ड इस पर आपको डालना होगा। तो सारा चीज़ मैं फिल कर देता हूँ। सॉरी, इसमें पूरा नाम नहीं देना है, सिर्फ आपका फर्स्ट नेम देना है, नीचे में आपका लास्ट नेम देना है, फर्स्ट में नाम देना है फर्स्ट नेम और नीचे में देना है लास्ट नेम। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो आपने बैंक अकाउंट में दिए हैं वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है, उसके बाद 4 डिजिट का पासवर्ड आपको रखना है, जो भी आप रख सकते हैं। चलिए मैं रख दिया। उसके बाद आई एक्सेप्टेड टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करना है, आपको दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए उस पर ओके करने के बाद आपसे यूपीआई आईडी आपको सजेस्ट करेगा, आप जो अपना हिसाब से यूपीआई आईडी आप रख सकते हैं, देख सकते हैं मेरा 3 या 4 आ चुका है, तो कोई इसमें भी हमें अपना चुन लेते हैं। तो चलिए मैं लास्ट वाला चुन लेता हूँ अपना। उसके बाद आपको चेक पर क्लिक कर देना है यूपीआई आईडी आपका है कि नहीं सही, उसके बाद चेक पे आपको क्लिक करना है, चेक कीजिएगा आपको बताएगा कि अवेलेबल है, उसके बाद आपको क्रिएट पे ओके कर देना है, नीचे में क्रिएट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू करने के लिए पूछा जाएगा, आपसे आपका बैंक नाम पूछा जाएगा, जो भी बैंक आप रख सकते हैं, तो इंडिया पेमेंट बैंक तो फर्स्ट में है, तो उस पर क्लिक करने के बाद देखिए UPI आपको सेट करना पड़ेगा, UPI पिन को आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं सेट नाउ पर क्लिक करने के बाद कार्ड का, जो आपका कार्ड का लास्ट 6 डिजिट रहेंगे वो आपको ऊपर में डालना है और नीचे में आपको डालना है अपना एक्सपायरी डेट। चलिए मैं डाल देता हूँ दिखाने के लिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, आपका सेट हो जाएंगे, एक OTP आएगा और आपको पिन सेट करना है। उसके बाद ऐप को फिर से आपको खोलना है और 4 डिजिट जो पिन आप डाले थे वही पिन आपको इंटर करना है।
देख सकते हैं ऐप मेरा लॉगिन हो चुका है और सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। देखिए पे ट्रांसफ़र है, कलेक्शन है, पेंडिंग अप्रूवल है, अकाउंट है, आप बहुत सारा इसमें अकाउंट ऐड कर सकते हैं। एक नंबर से अगर आपका तीन भी अकाउंट है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस का निशान पे अगर और भी आपको बैंक ऐड करना है तो प्लस का निशान है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारा ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ से अकाउंट से अकाउंट नंबर से भी आप सेंड कर सकते हैं, UPI ID से भी आप सेंड कर सकते हैं पैसा किसी का। तीन ऑप्शन दिया गया सेंड करने का। देख सकते हैं ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, आप UPI को मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप डी रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना फिंगरप्रिंट को ऐड भी कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसके बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।